राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि अगले आंदोलन में तोड़ दिए जाएंगे बैरिकेड्स। नमस्कार, मैं हूं नमिता, बिग न्यूज 9 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक पोस्ट किए जिसमें उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की धमकी भी दे डाली। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा, देश में अगला जो आंदोलन होगा उसमें कहीं भी बैरिकेड नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो इसे तोड़ा जाएगा। फसलों के फैसले किसान करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का विवरण देते हुए टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर किसानों का टैंक है, लंबी लड़ाई के लिए एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 किसान और 10 दिन चाहिए, यह फॉर्मूला है। कारों से आंदोलन नहीं चला करते। उन्होंने कहा, अनिश्चितकालीन विरोध की तैयारी शुरू कर ली गई है। किसान संघ के नेता की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय में महत्वपूर्ण पकड़ है। उन्होंने कहा, सरकार उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर काम कर रही है। सब व्यापारी उन्हें जो कह रहे हैं सरकार वही कर रही है। गोदाम पहले बनवा दिए गए, कानून बाद में। टिकैत ने कहा कि सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि वह किसानों के खिलाफ कदम उठा रही है। वीकेयू नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए, आगे आना होगा। टिकैत ने आरोप लगाया, सरकार ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान परेशानी पैदा की। गाजीपुर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर 20 नवंबर से सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो कि सितंबर 2020 में संसद में पारित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जैसा उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन किसान यूनियन को पहले से 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को समाधान खोजने के लिए 1 से 1.5 साल रद्द करने के प्रस्ताव का जवाब देना चाहिए और एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए। सरकार और किसानों में 11 दौर की बात हुई है, लेकिन यह भी कृषि कानूनों पर बने गतिरोध को समाप्त करने में विफल ही रही। बैठक का अंतिम दौर 22 जनवरी को आयोजित किया गया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद वार्ता फिर से शुरू नहीं हुई, जिसके कारण दिल्ली के कई इलाकों में व्यापक हिंसा हुई। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें चैनल के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।